दोस्तों यह कहानी उस तुर्काना झील की है जिसमें आदिमानव के कंकाल मिले थे। दुनिया में तमाम जानवरों की कई कई प्रजातियां होती हैं। किसी भी जानवर को ले लीजिए, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में उनकी अलग अलग प्रजातियां मिलती हैं। लेकिन इंसान के साथ ऐसा नहीं, पूरी दुनिया में इंसानों की एक ही प्रजाति है, होमो सेपियंस। तमाम जीव जंतुओं की विकास गाथा जुटाने और लिखने पढ़ने वाले इंसान की खुद के बारे में समझ बहुत कम है। आप भी ये जानकर चौंक जाएंगे कि हमें अपने पुरखों के बारे में बहुत कम जानकारी है। आज से करीब 20 लाख साल पहले धरती पर पहला इंसान पैदा हुआ था। तब से कुदरत में बहुत से बदलाव हो चुके हैं। इंसान ने इतनी तरक्की कर ली है, मगर खुद अपने पुरखों यानी आदिमानव के बारे में हम बहुत कम जानकारी जुटा सके हैं। वजह यह है कि लाखों साल पहले के इंसानों के कंकाल बहुत कम मिलते हैं। जहाँ भी मिलते हैं एक आध टुकड़े, आधी अधूरी जानकारी। इसके आधार पर कोई ठोस बात कहना वैज्ञानिकों के लिए भी मुश्किल होता है। मगर 1984 में इंसानों के हाथ अपने पुरखों की जानकारी का एक बड़ा खजाना लगा था। इससे हमें अपने विकास की कहानी को समझने में बहुत मदद मिली। ये खजाना मिला था अफ्रीकी देश केन्या की तुर्काना झील में, जब 8 साल के एक बच्चे का करीब 15 लाख साल पुराना कंकाल मिला था। दुनिया में इंसानों के जितने भी कंकाल मिले हैं पुराने, उनमें ये पहला ऐसा कंकाल था जो संपूर्ण था। इसे वैज्ञानिकों ने तुर्काना बॉय या तुर्काना झील वाले लड़के का नाम दिया था। हालांकि ये इंसानों के लाखों बरस पहले के पुरखों का कोई पहला कंकाल नहीं था जो तुर्काना झील में मिला। असल में ये झील मानव के जानवर से इंसान बनने का पूरा इतिहास संजोए हुए है। इस झील से हमें पता चलता है कि लाखों साल पहले के इंसान कैसे रहते थे, क्या खाते थे। कभी हरे भरे इलाके में पड़ने वाली तुर्काना झील आज बड़े रेगिस्तान के बीच पानी की बूंद जैसी है। वैज्ञानिक कहते हैं कि 20 लाख साल पहले ये झील बहुत बड़ी थी। तब से इसके आसपास का माहौल बहुत बदल गया है। हरियाली रेगिस्तान में तब्दील हो चुकी है। झील का दायरा भी बहुत सिमट गया है। मगर लाखों साल पहले ये आदिमानव के रहने का आदर्श ठिकाना था। यहाँ हरियाली थी, खाना आसानी से मिल जाता था और इंसानों को दुश्मनों से छुपने की जगह भी मिल जाती थी। यहाँ पर आदिमानव के कंकाल मिलने की एक बड़ी वजह है। ये झील ज्वालामुखी की गतिविधियों वाले इलाके में पड़ती है। धरती के भीतर की हलचल से ऊपरी सतह बनती बिगड़ती रहती है। इस वजह से आदि मानवों के कंकाल भीतरी परतों में छुपकर बचे रह गए, जो कि आज के सबूतों में शामिल है। झील के आसपास इंसान के कंकालों की खोज केन्या के वैज्ञानिक रिचर्ड लीकी ने 1968 में शुरू की थी। पहली बड़ी कामयाबी उन्हें 1972 में मिली, जब उन्हें होमो रुडोल्फेंसिस नाम के आदिमानव के सिर का कंकाल मिला। इससे इस दावे को बल मिला कि आज के इंसान किसी एक प्रजाति के सीधे वारिस नहीं। आज के मानवों से पहले धरती पर आदि मानव की कई प्रजातियां थीं, जैसे होमो इरेक्टस, होमो हैबिलिस, पेरेंट्रोपस बोएसी, और अब उसमें होमो रुडोल्फेंसिस का भी नाम जुड़ गया। हो सकता है कि उस वक्त आदि मानव की और भी नस्लें धरती पर रही हों। इन्हीं में से एक होमो इरेक्टस से आज के इंसान की नस्ल का विकास हुआ, तुर्काना झील के पास मिला। 8 साल के बच्चे के कंकाल ने इस थ्योरी को सही साबित किया है। इंसानों की पहली प्रजाति अफ्रीका में पैदा हुई थी। इन्हीं में से एक होमो इरेक्टस पहले आदि मानव थे जो अफ्रीका से निकलकर एशिया और यूरोप में फैले। ये आज के इंसानों से काफी मिलते जुलते थे, जैसे ये सीधे चलते थे। इनका दिमाग उस वक्त के मानव की दूसरी प्रजाति होमो हैबिलिस से बड़े थे। तुर्काना बच्चे के कंकाल से ये बात भी पता चली कि होमो इरेक्टस चलते वक्त अपने हाथ में कुछ सामान लेकर चल सकते थे। वैज्ञानिक कहते हैं कि अगर आप तेजी से चल सकते हैं, दौड़ते वक्त हाथ में सामान लेकर चल सकते हैं, तो बड़ी बात है। अब अगला सवाल है कि ये आदि मानव आखिर हाथ में लेकर चलते क्या थे। वैज्ञानिक मानते हैं कि होमो इरेक्टस आदि मानव जरूर हाथ में भाले या कुल्हाड़ी लेकर चलते रहे होंगे, क्योंकि वो फेंकना जान गए थे। जबकि हमारे दूसरे पुरखे बंदर, चिंपांजी या गोरिल्ला जो पेड़ पर रहते थे, वो हाथ से कुछ फेंकने में नाकाम थे। हाथ से फेंक देने की इस ताकत के बूते होमो इरेक्टस शिकार करने के उस्ताद हो गए होंगे। इस वजह से उन्हें अपना दायरा बढ़ाने में मदद मिली। उस वक्त धरती पर बड़े बदलाव हो रहे थे। जंगल कम हो रहे थे, घास के मैदान बढ़ रहे थे। ऐसे में जंगली दुश्मनों से बचने में उस वक्त के इंसानों को दिक्कत होती थी। ऐसे में शिकार की कला से वो अपनी जान के दुश्मनों से निपट सकते थे। वैज्ञानिक मानते हैं कि ऐसे दुश्मनों का होमो इरेक्टस ने डटकर सामना किया होगा। इन्हीं दुश्मनों की वजह से अलग अलग रहने वाले आदिमानवों को साथ रहने के फायदे भी नजर आए होंगे।
वो साथ रहकर शिकार कर सकते थे, दुश्मन का मुकाबला कर सकते थे। ऐसे ही इंसानों के एक दूसरे से जुड़कर कबीले या समुदाय बनाने की सोच पैदा हुई होगी। वैज्ञानिकों को धरती पर कई जगह से पत्थर की बनी कुल्हाड़ियां भी मिली हैं, जो उसी दौर की हैं। तो होमो इरेक्ट्स पत्थरों को काट छांट कर ऐसे हथियार बना भी सकते थे और अपने साथियों को सिखा भी सकते थे। पत्थर की ऐसी पहली कुल्हाड़ियां करीब 18 लाख साल पुरानी है, जो केन्या की तुर्काना झील के पास मिली है। माना जाता है कि होमो इरेक्ट्स ने ही इन्हें बनाया होगा। वैज्ञानिक मानते हैं कि पहली कुल्हाड़ी के विकास के करीब 10 लाख साल बाद तक इंसान ने कोई खास तरक्की नहीं की, क्योंकि पत्थर की इस कुल्हाड़ी से स्विस नाइफ जैसे कई काम लिए जा सकते थे, शिकार करने से लेकर उसे काटने छांटने तक। हालांकि उस वक्त के आदिमानवों की कोई जुबान नहीं होती थी, मगर वो इशारों से एक दूसरे से बात कर लेते थे। तभी ऐसी पत्थर की कुल्हाड़ियां बनाने तरीका भी सिखा देते थे। केन्या की तुर्काना झील को आदिमानवों के इतिहास का खजाना कहा जाता है। वहां से मिले कुछ और कंकाल आदि मानवों से पहले के पुरखों के इतिहास पर भी रोशनी डालते हैं। जैसे 1974 में मिला लूसी नाम का कंकाल, जिसे ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफारेंसिस प्रजाति का नाम दिया गया था। ये बंदरों और आदि मानवों के बीच की मिसिंग लिंक थी, जो वैज्ञानिकों के हाथ लग गई थी। इस कंकाल के मिलने से पहले ये माना जाता था कि होमो प्रजाति के आदि मानवों से पहले के पुरखे बंदर या गोरिल्ला जैसे ही रहे होंगे, मगर लूसी नाम का ये कंकाल मिलने से साफ हो गया कि बंदरों से इंसानों का विकास लूसी जैसे आदि मानवों के पुरखों के जरिए हुआ था। 90 के दशक में वैज्ञानिकों की टीम ने तुर्काना झील के आसपास से लूसी के भी पहले की एक नस्ल की खोज कर डाली। इसे ऑस्ट्रेलोपिथेकस एनामेंसिस नाम दिया गया। कुछ सालों बाद आदि मानवों के पुरखों की एक और प्रजाति का पता चला। ये सब खोजें तुर्काना झील के पास खोज करने वाले पहले वैज्ञानिक रिचर्ड लीकी की पत्नी मीव लीकी ने की थी। इन नए कंकालों की खोज से वैज्ञानिक इस नतीजे पर पहुंचे कि इंसान की आज की प्रजाति का विकास किसी एक प्रजाति के आदि मानव से नहीं हुआ। आज से करीब 30 लाख साल पहले धरती पर आदि मानवों से पहले और बंदरों से मिलती जुलती कई प्रजातियां रही होंगी। इन्हीं में से एक विकसित होकर आज के इंसान के तौर पर विकसित हुई। वैसे तुर्काना झील की परतों में छुपा इंसान के विकास का ये खजाना अब भी लोगों को चौंका रहा है। अभी पिछले साल ही झील के पास करीब 30 लाख साल पुराने पत्थर के हथियार मिले। पहले माना जाता था कि पहले हथियार इंसानों की होमो इरेक्ट्स नस्ल ने बनाए होंगे, मगर 30 लाख साल पुराने पत्थर के इन हथियारों से साफ हो गया कि उससे पहले के मानवों के पुरखों ने भी कुछ कुछ कलपुर्जे बनाने सीख लिए थे। तुर्काना झील इंसान के विकास का केंद्र रही हो ऐसा नहीं, बस वो उस जगह पर थी जहाँ कंकाल सुरक्षित रह गए। इसी वजह से उसकी अहमियत बढ़ गई। अगर वहाँ कंकाल सुरक्षित नहीं रहते तो इंसानों को अपनी विकास गाथा समझने में अभी और वक्त लगना था। यही इस झील की सबसे बड़ी अहमियत है।